हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं सोया ग्रैनुअल पराठे। ये पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है ये 2 कप आटा। इसमें हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1/2 टीस्पून हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने नमक डाला है इसको मिक्स कर देते हैं और इसको हमें नॉर्मल पानी से गूंदना है। और इस आटे को ना ही हमें बहुत ज्यादा टाइट गूंदना है और ना ही बहुत ढीला गूंदना है, पतला भी नहीं करना है। और इसको गूंद लेते हैं जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, उसी तरीके का हमें गूंदना है। नॉर्मल का मतलब यानी जो हम पराठे बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरीके से हमें ये आटा गूंदना है। तो ये आटा मैंने गूंदकर तैयार कर लिया है और इस 2 कप आटे को गूंदने के लिए हमें 1/4 कप के करीब पानी लगा है। और आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है, इस तरीके का आटा गूंदना है। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा के 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरीके से ऑयल डालेंगे इसमें और चारों तरफ से इसमें ऑयल लगा देंगे और इसको 20 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने रख लिया है ये पैन और गैस को हमने ऑन कर दिया है और गैस है स्लो फ्लेम पे। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल डाल रहे हैं हम। आप घी बटर किसी में भी इसे बना सकते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, 1 पिंच हींग और 1/4 टीस्पून जीरा। अब ये जीरा जब अच्छे से तड़कने लगे यानी अच्छे से जब भुन जाए तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, या आप बारीक कटे अदरक लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे बारीक कटा 1 प्याज और इसको हम हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज्यादा हमें रेड नहीं करना है। अब हम कर देंगे गैस को मीडियम फ्लेम पे और प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। और जो लोग लहसुन या प्याज नहीं खाते हैं वो लहसुन और प्याज का यूज ना करें, उसको स्किप कर दें। छोटे छोटे आप अदरक के पीस करके डाल सकते हैं, अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं और लहसुन का पेस्ट ना डालें। और प्याज की जगह आप शिमला मिर्च बहुत छोटी छोटी बारीक काट के डाल सकते हैं। हल्की सी हमने इसे प्याज को भून लिया, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें भूनना है इसे। और अब हम डालेंगे ये सोया ग्रैनुअल्स। सोया ग्रैनुअल्स को, ये 1/2 कप सोया ग्रैनुअल्स हैं, इनको हमने हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के भिगो दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और ये बहुत जल्दी भीग जाते हैं और जितना पानी था उसको हमने स्क्वीज कर दिया है, यानी पूरे पानी को निचोड़ दिया है। उसके बाद हमें इसका यूज करना है। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काफी सारा हरा धनिया। इसमें डालेंगे हम नमक 1/2 टीस्पून के करीब हम नमक डाल रहे हैं। और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है
तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और हल्का सा हम एक मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए ये भुन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा इसे पकाने की भी जरूरत नहीं होती है, मिक्स करते हुए ही ये पक जाएगा। तो ये देखिए ये फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम आटा अच्छे से नीट कर लेंगे, अच्छे से आटे को। इस तरीके से अच्छे से हमें नीट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतनी बड़ी आप बॉल तोड़ सकते हैं, इस तरीके से लोई बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तोड़ा है ये मीडियम आकार का पेड़ा, इस तरीके से आप बॉल ले सकते हैं। जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उतनी बड़ी आप ले सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा आटा लगा के इस तरीके से बेलेंगे, बहुत छोटा सा, इस तरीके से पूरी के आकार का बेलना है। और इसमें हम फिलिंग डालेंगे, और इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए बंद करना है और आटा लगाकर इसे हम बेलेंगे। और यहाँ हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत पतला पराठा नहीं बेलना है हमें, थोड़ा सा थिक रखना पड़ेगा। और यहाँ पर तवा गरम हो चुका है और अब हम इस पराठे को डाल देंगे इसमें सिकने के लिए। तो एक तरफ जब ये हल्का सा सिक जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ से सेकेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए एक तरफ से ये पराठा सिक चुका है, हल्की सी चित्ती आई है। अब हम दूसरी तरफ से इसको हमने पलट दिया है। जब तक ये दूसरी तरफ से सिकेगा तब तक हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। आप चाहें तो देसी घी में भी सेक सकते हैं, बटर में भी सेक सकते हैं और आप सरसों के तेल में भी इन्हें सेक सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस ऑयल में आप इसे बना सकते हैं। तो ये पराठा बनकर तैयार है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म सोया ग्रैनुअल्स पराठे बनकर तैयार है और मैंने यहाँ पर इसे सर्व किया है दही चटनी और अचार के साथ। आप जैसे चाहें इसे खा सकते हैं और अपने बच्चों के टिफिन में इसे जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।